सो बचपन से ऐसे मैंने तीन चार जैसे पता नहीं क्या आप जो भी बोलेंगे मैं नोटबुक में या डायरीज में इधर उधर चीजें लिख देता हूँ कि एक दिन ये होगा ये होने ही वाला है मैं एंड स्टेट में लिखते इट्स जस्ट इट्स ऐसी जब मैं सोलह साल का था तब मैंने लिख दिया तीन चार चीजें कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगा मैं फोक्स के कवर पे आऊँगा और जब मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बना ओकि नंबर वन वो पहुंच गया एमेजोन पे ना उसे मैं दो मिनट के लिए बहुत ना गया oh, yeah, yeah, okay, yeah. yeah. like, वो या लाइक yeah, like, वो फीलिंग कभी मेरे लिए लास्ट ही नहीं करी मैं खुद से इनफैक्ट क्वेश्चन कर रहा था कि अब तो मुझे थोड़ा पार्टी करना चाहिए चार पांच दिन बाहर जाना चाहिए इनफैक्ट मी एंड माई फ्रेंड्स माई पार्टनर्स हम लोग सब बात कर रहे थे कि हम लोग को बुक लॉन्च की या बुक नंबर वन की बेस्ट सेलिंग पार्टी थ्रो करनी चाहिए हम थ्रोई नहीं कर पाए क्योंकि मैं ऐसे ओके नेक्स्ट कुछ करते हैं बड़ा उसके करें। बाद करेंगे हां हाँ। हाँ। फिर फोब्स हुआ सेम पैटर्न फिर यूट्यूब पे हमने लोग कि मिलियन अगर हम हिट कर जाएंगे कुछ नहीं कुछ नहीं इनफैक्ट सेकंड मिलियन पे तो हमने शायद केक भी नहीं कट पे इट्स जस्ट अब हो गया ना हाँ मतलब हर बार मैं कुछ भी अचीव करते जा रहा हूं वेदर फाइनेंशियली

क्स्ट पैटर्न इज माई डू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया ना क्या yeah. अब जो पहले कभी इमोशनल पैटर्न की अवेयरनेस थी नहीं आ गई अब दूसरा स्टेप होगा इस पैटर्न को चेंज करना बाई चॉइस क्योंकि जैसा आपने बोला किसी ने पैटर्न चूज थोड़ी किया hmm. बचपन से किसी ना किसी रीजन से आता गया

और मैं नहीं रुकूंगा आई वॉन्ट टू कीप गोइंग अहेड अब पता नहीं कौन सी आपने किताब में क्या चीज पढ़ ली होगी पापा ने क्या बोल दिया होगा मम्मी के साथ क्या हो गया होगा हो बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें हो हो सकता है कहीं कुछ इंसिडेंट हो गया कुछ हो गया सो इन बिहेवियरल साइंस भी से क्यों हुआ ये जरूरी है ही नहीं क्वेश्चन ये okay. कि अभी क्या है पैटर्न उसको पकड़ो दूसरा क्वेश्चन ये कि पैटर्न नया क्या चाहिए मास्टर ऑन दैट

सो ओके आफ्टर अवेयरनेस कि ये choice, है चॉइस है है है। है। hmm. सारे इमोशंस थोड़ी बदलने शायद कुछ इमोशंस सर्व कर रहे हैं मत बदलो बट किसी लड़की को पूछो सैडनेस से गुजर रही है बदलना चाहते हो शायद बदलना चाहती है तो उसके लिए मैं एक मजेदार वर्ड यूज करता हूँ मैं हमेशा कोचिंग में बोलता हूं कि वो मीना कुमारी अच्छा। याद है नहीं याद अच्छा पुरानी मूवीज में मीना कुमारी नाम की

Hmm. तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मीना कुमारी बने रहना है कि कुछ और बनना है सो दिस इज कॉल्ड द चॉइस ऑफ चेंजिंग योर आइडेंटिटी एंड योर इमोशनल पैटर्न तो सबसे पहले लोगों को ये फिगर आउट करना है कि नहीं हाँ, सबसे पहले कि <laughs> मैं खुश हूं कि नहीं हूं मैं अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहता हूँ वहां हूं कि नहीं हूं मेरी करंट स्टेट क्या है वो आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप इज ये क्यों हो रहा है इज इट बिकॉज कि मेरा पैटर्न है कि मैं सिर्फ सैड फील करता रहता हूँ या मेरा पैटर्न है कि मैं मैंफाइड ही नहीं हूँ करेक्ट ये कर लिया फिर थर्ड क्वेश्चन इज चेंज करना है क्या चेंज करना है क्या अगर क्या है ये पैटर्न नहीं हूँ क्या मेरा गुस्सा मुझे अच्छा बना रहा है कि बेकार बना रहा है क्या मेरा सैडनेस फायदा हो रहा है उससे कि नुकसान हो रहा है जब इंसान बोलता है कि नहीं यार बहुत नुकसान हो रहा है अच्छा तो कब चेंज करना अगले साल करें नहीं यार अगले महीने करें कल करें कब करें अभी हाँ तो जब से अभी निकलता है ना तब तक मैं कुछ नहीं बोलता चॉइस oh, so होना चाहिए कि मुझे, you, किसी और की नहीं सुनता। हमको लगता है हम लोगों की सुनते हैं हम नहीं सुनते लोगों की सुनते हम अपनी सुनते तो so, अब ये चेंज मान लो जितने लोग देख रहे हैं उनको किसी ना किसी पैटर्न पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा क्या पैटर्न है हम जिस अज्यूमिंग कि लोगों ने कुछ लोगों ने अभी देख रहे हैं उन्होंने अज्यूम उन्होंने मान लिया होगा उनका पैटर्न क्या है अब क्या करेंगे

क्या चाहिए आपको यू वॉन्ट बोलने का मतलब क्या अभी तक जो फीलिंग्स थी उसको सॉल्व करना छोड़ दो और पहले डिसाइड तो करो फील करना क्या नया फीलिंग क्या चाहिए इमेजिन अच्छा, अच्छा, like. अभी आपके सामने भगवान खड़े हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए फील करना है और जो आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा तो अब आप आंसर कीजिए क्या फील करना चाहते हो अगर ये पैटर्न नहीं फील करना है तो ओके क्योंकि आपने बोल तो दिया कि चेंज करना है चेंज क्या करना है

तो याद इसलिए नहीं है क्योंकि जीते नहीं है उसको हेल्पलेस <laughs> ही जीते रहते हो और जितने मैंने इंटरवेंशन किया पूछता हूं उल्टा वर्ड बताओ नहीं बता, बता ही नहीं पाते लोग क्योंकि उस वक्त स्ट्रॉग पैटर्न में होते हैं ना कि उनको सोचता ही एक, नहीं वो कैबलरी का सिंपल शब्द नहीं याद आ रहा <laughs> फ्रस्ट्रेशन का ऑपोजिट क्या है पता नहीं एंगर <laughs> एंगर का का ऑपोजिट ऑपोजिट क्या हैप्पी हैप्पी थोड़ी होता है का ऑपोजिट होता है

And make them feel a certain emotion that they've not lived for a long time. Mm. And in two, three minutes, I ask them to open their eyes and say, How are you feeling now? I'm feeling really calm, feeling so happy. When was the last time you felt this? Hypnotized completely. I don't remember. Does it really work this quick? It yes. Does. Okay, so, tell me, here's a question. Okay, it might sound very.

आपने जो स्पार्क दिया वो वर्क कर उस पर जिसको ऐसा नहीं हो रहा होगा उसके लिए कुछ वर्क नहीं करेगा। कर वो मेरे पास फिर बात करने आएगी वो आएगी नहीं ना हाथी नहीं उठाएगी हाथी वो लोग उठाते हैं जो ट्रबल रहते हैं सवाल पूछ रहा है तो कुछ तो वो सवाल hmm. पूछ रहा है इसका मतलब कुछ है अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो